हेलो दोस्तों, एक और वीडियो दे विच स्वागत है थोड़ा। सब तो पहले थोड़ा दस दिए कि जिहड़ा अपना टैलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो। हुण उत्थे असी डिस्कशन भी करते रहने, जो कुछ साढ़े तो सवाल पूछते हैं आपां, वो भी शुरू किया है कि आपां चैट भी कर सकते हैं एक दूसरे नाल। हाँ, सारे मैंबर जिन्हें भी है वीडियो सुन रहे हैं सब तो पहले ज्वाइन कर लो ग्रुप। जिहड़ा है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक हैगा। तो हुण आपां शुरू करते हैं अपना। ये पंजवा पार्ट हैगा SST मास्टर कैडर का, ज्योग्राफी का। अपने 50 MCQ हो जाएंगे, 50 फिर हिस्ट्री के हो गए पहला। तो हुण उस तो बाद सिविक्स वेखांगे, तो सिविक्स के 50 कर देंगे पूरे, फिर हिस्ट्री शुरू कर लेंगे। ऐं करके थोड़े जिहड़े तिने तरह के सब्जेक्ट अपने कल कवर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर दें। आप अपने को सब तो पहला क्वेश्चन हैगा की होवेगा जेकर धरती का घूमना बंद हो जाएगा। की होगा? सब तो पहला हैगा धरती पोल उपर मैगनैटिक बल गुआ देगी और सूरज में जाना शुरू करेगी। जो घूम रही है अपना मैगनैटिक तौर पर जिथे स्थिर हैगी है उत्थे घूमी जाती है, तो सूरज वल गवा दूगी, तो सूरज वल जाना शुरू कर दूगी। चंद्रमा का घूमना भी बंद हो जाएगा, ध्रुव अपनी जगह बदल लैणगे, तो जिहड़ा पानी के स्रोत है सुक जाएंगे। की लगता थोनू इहदा आंसर की आऊगा? इहदा आंसर जी अपने को हैगा फस्ट का ए, जिहड़ा धरती है वह पोल उपर मैगनैटिक बल गवा देगी और सूरज में जाना शुरू कर देगी। नाल तैयारी करते रहा करो, बहुत टाइम हैगा अपने को। सैकेंड क्वेश्चन अपने को हैगा हिंद महासागर में कि गर्म धारा वहिंदी है। जिहड़ा हिंद महासागर है उन्हें कि गर्म धारा वहिंदी है? लैबराडर धारा, अगुलहस धारा, क्रोशियो धारा, तो हम्बोल्ट धारा। इन्होंने चारों में कि धारा वहिंदी है? जे थोड़ा आंसर आता है तो कमेंट कर दिया करो। अपने को सैकेंड आंसर है जी बी, अगुलहम धारा। ठीक है जी, जिहड़ा इनका आंसर है बी, अगुलहम धारा जिहड़ी हिंद महासागर के वहिंदी है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है शब्द नाइफ किस वल संकेत करती है? नाइफ, नाइफ का मतलब तो सबनों पता ही है की हुंदा जी इंग्लिश। तो शब्द नाइफ है जिहड़ा किहदे वल संकेत करता है? भूचाल, धरती का अंदरूनी केंद्र, धरती की खोपड़ी, महासागरी तल। किहदे वल संकेत करता है? जिहड़ा अपने को ऑप्शन हैगी है जी फस्ट, फस्ट जिहड़ा भूचाल वल संकेत करता जिहड़ा शब्द नाइफ है। ठीक है जी, भूचाल आऊगा इहदा आंसर। नैक्सट अपने को क्वेश्चन हैगा दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर संबंधित है, किन्ने नाल संबंधित है? दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जंगली अग नाल, ज्वालामुखी, भूचाल नाल, तेल के खूह की अग नाल, ते ताप थर्मल बिजली घर के नाल। किन्ने नाल है जी? इहदा आंसर आऊगा अपने को बी, ज्वालामुखी भूचाल नाल। दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिहड़ी अग की रिंग है वह ज्वालामुखी भूचाल के नाल संबंध रखती है, इहदा मतलब यह है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को हैगा प्रतिध्वनि तकनीक लागू हुंदी है, प्रतिध्वनि तकनीक लागू हुंदी है समुद्र की डूंघाई मापन लई, ध्वनि तरंगा के विस्तार के मापन के लिए, भूचाल तरंगा दर्ज करने के लिए, वातावरण में हवा की घनता दर्ज करने के लिए। इन्दे कोल अपने कोल सही आंसर आऊगा जी ए, समुद्र की डूंघाई मापन लई जिहड़ी प्रतिध्वनि तकनीक है वह लागू हुंदी है। ठीक है जी, हुण नैक्सट क्वेश्चन वल वधदे हां आपां। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल हैगा हेठ लिखिया विचों किहड़े ग्रहों का मिश्रण नूं गैंसी ग्रह कहा जाता है? मोस्टली आंदा भी होना पर फिर भी ध्यान रख लियो अपना। फस्ट अपने को ऑप्शन है जुपीटर मार्स अर्थ नैपच्यून, सैकेंड है वीनस जुपीटर मार्स सैप्टरन, थर्ड है मार्स वीनस सैप्टरन यूरेनस, फोर्थ है जुपीटर सैप्टरन यूरेनस नैपच्यून। जिहड़ा अपना इहदा सही सीकुएंस बनता है जी वह हैगा अपने को बी ऑप्शन है जी, वीनस जुपीटर मार्स ते सैप्टरन जिहड़ा इहदा सही हैगा जिहनूं की कहा जांदा गैंसी ग्रहां दा मिश्रण। इहनां चारां नूं कहा जांदा, दुबारा फिर रीड आउट कर लो, वीनस जुपीटर मार्स ते सैप्टरन नूं जिहड़ा गैंसी ग्रह दा मिश्रण कहा जांदा, जां ग्रहां दा मिश्रण नूं गैंसी ग्रह कहा जांदा। ठीक है जी, ये जिहड़े सारे ग्रह इहनां दे मिश्रण नूं की कहा जांदा? गैंसी ग्रह। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल हैगा पूर्व दी तरफ धरती दे झुकाव दा की कारण है? जिहड़ा पूर्व तरफ धरती का झुका होया उनका की करना? समुद्रां अते महाद्वीपां दी मौजूदगी, उत्तरी गोलार्ध विच महाद्वीपां दा भार अंटार्कटिका दी बर्फ दे भार तो ज़्यादा है, भूमध रेखा उत्ते थोड़ा जिहा उभार है, ग्रीन विच मेरीडियन धरती नूं दो भागां विच वंडदा है। इहदे विचों तुहानूं की लगदा जी किहड़ा आंसर आऊगा? अपने कोल जिहड़ा इहदा सही आंसर हैगा जी उह हैगा सी ऑप्शन, भूमध रेखा उत्ते थोड़ा जिहा उभार है, तां करके जिहड़ा की है पूर्व की तरफ धरती का झुकाव है, उनका कारण की है? भूमध रेखा उत्ते थोड़ा जिहा उभार है। ठीक है जी,
ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਡੈਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ, ਸਮਹੀਣ, ਪਰਬਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਪਰਬਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਬਤੀ ਤੌਰ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਤੇ 5 ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।